हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल विक्रम कुमार। हमेशा की तरह हम वही वीडियो बनाएंगे जिस पर व्यू आने का चांस ज्यादा रहेगा। ब्लॉगिंग चैनल बोलते रहते हैं, इसी के चलते ये बात हम बताएं। खैर, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं गाइस। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने घर में सबवूफर या फिर एम्पलीफायर के साथ सबवूफर या फिर इनबिल्ट एम्पलीफायर वाला सबवूफर कैसे घर में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ, अपने फ़ोन के साथ, और मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे ऑडियो आउटपुट मिले उससे आप मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। उसका 3.5 mm जैक रहना चाहिए या फिर आप HD हाई डेफिनेशन ऑडियो क्वालिटी भी उसमें सिंक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो प्रोडक्ट का भी हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सके तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से परचेज कीजिएगा या फिर आपकी लोकल मार्केट में मिल जाए तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है अगर अच्छा प्राइस में मिल जाए तो लिंक से इसलिए परचेज करने बोलेगा क्योंकि वो लिंक एफिलेटेड लिंक है, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं जाके, लिंक से परचेज करने में इस चैनल को थोड़ा बड़ा हेल्प हो सकता है। और कोई ऐसा वैसा लिंक नहीं, मतलब अमेजोन का ट्रस्टेड लिंक ही रहेगा। तो खैर, हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि हम कौन सा सबवूफर यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास है प्रोनॉट का सबवूफर, प्रोनॉट कंपनी का, अमेजोन पे मिलता है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हैं। 10 इंची का है सबवूफर वो लगा हुआ मेरे पास, जो है SRP 10 इंच प्लस। ये है मेरा मतलब सबवूफर का मॉडल नंबर। ये सबवूफर इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ आता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी सबवूफर है। आपको हम पहले एक दो वीडियो, 3-4 वीडियोस पर हम बना चुके हैं जिसमें हमको नहीं लगता कि इतना क्वालिटी का कोई बेस आपको 4 या 5 हज़ार के बीच में कोई भी ऐसा सबवूफर दे। मेरा एक और इंसिडेंट हम आपको बताते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये मेरा स्पीकर आया हुआ था। हम घर में वायरिंग करवाए हैं, इस घर में AC के साथ साथ DC वायरिंग भी करवाए हैं ताकि हम कोई एम्पलीफायर वगैरह या फिर 12 वोल्ट का अप्लायंसेस वगैरह हम घर में चला सकें। तो गलती से क्या हुआ, मेरे पास हम सब प्लग वलग सब सेट कर चुके थे और हम इंडिकेशन के लिए बोर्ड में कौन सा 5-पिन बोर्ड है जिसमें हम 12 वोल्ट का रखे हैं वो हम नहीं शो कर पाए। 12 वोल्ट 165 एम्पीयर का है वो कनेक्शन, तो हम उसमें जस्टिफाई नहीं कर पाए कि कौन सा है। और गलती से हम AC वाला में लगा दिए तो मेरे सबवूफर का एम्पलीफायर ब्लास्ट करके, तो उसको हमको नया लगवाना पड़ा। 1500 रुपये दाम है, यहाँ पे लोकल मार्केट में बन गया। कुछ रिप्लेस या फिर कुछ भी बनाने का कोशिश किया लेकिन नहीं बन पाया, तो नया एम्पलीफायर लगा। मतलब सब चीज़ नया है, वही सेम एम्पलीफायर जो पहले लगा हुआ था, सब सेम। इनबिल्ट एम्पलीफायर वाले जितने भी सबवूफर रहते हैं लो रेंज वाले, सब में सेम एम्पलीफायर रहता है, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। स्पीकर में कभी कभी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, जैसे 10 इंच का स्पीकर और 12 इंच का स्पीकर, लेकिन एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं रहता है। हाँ, JBL या फिर बहुत ज़्यादा ब्रांडेड रहता है जो 30-35 हज़ार का सिर्फ सेटअप रहता है सबवूफर का, उसका बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात कि आपको सबवूफर लेने में ही 10-12 हज़ार या 15 हज़ार लग जाएगा JBL वगैरह का या फिर पायनियर वगैरह का, लेकिन ये 5 हज़ार में इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ आपको सबवूफर मिलेगा। और हम इसको कंपेयर भी किए हैं JBL वाले स्पीकर के साथ, उसका वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर फिर से हमको वो कार मिले जो मेरे दोस्त का था, अगर वो आए मेरे पास, तो हम उसके ऊपर भी एक कंपैरिजन वीडियो जरूर बनाएंगे कि JBL का सबवूफर और इसमें कितना डिफरेंस है। क्योंकि मेरे पास माइक अच्छा खासा है जो बेस को, नोट को अच्छा से, मिड हाई सब कैप्चर अच्छा कर लेता है, तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किसमें ज़्यादा बेस है। एक चीज़ और, बेस ज़्यादा इसमें है, उसमें थोड़ा सा कम है बेस, लेकिन बात यह है कि उसके कार में बाकी जो स्टीरियो से जो कनेक्टेड था चारों स्पीकर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का था। इसी के वजह से ट्विटर और म्यूज़िक का ओरिजिनल क्लैरिटी और क्वालिटी उसमें ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अगर उसका हम स्टीरियो का क्वालिटी कम कर दें तो फिर ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कार का सेटअप लग रहा था। क्योंकि मेरे कार में सेटअप समझिए कि 3500 का स्पीकर लगा हुआ है और बाकी एक स्टीरियो और बस सबवूफर ये है, और उसमें आपको पता ही i20 का स्पीकर कितना अच्छा रहता है, तो उसके साथ अच्छा सबवूफर पेयर किया हुआ था तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छा था। लेकिन क्वालिटी अच्छा था, बेस फिर भी ज़्यादा इसी में था। एक चीज़ बता सकते हैं, इसको आप 20% या फिर 30% पर रखेंगे तो अच्छा साउंड आएगा आपके कार में। नॉर्मल जितना भी म्यूज़िक है सब में बेस मतलब आपको सफिशियंट से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन 100% पर हम गारंटी देते हैं कि इसको आप कार में नहीं रख पाएंगे। अगर 100% पर आप अगर 10 वॉल्यूम पे भी चलाएं अपने स्टीरियो में, तो आपके कार में मम्मी पापा जो भी बैठे हैं, आपके पेरेंट्स, आप तो सुन सकेंगे लेकिन वो कभी भी बजने नहीं दे सकते, मेरा गारंटी है इस बात का। हो सकता है कि उन लोग
उस चीज़ से यूज्ड हो तो अलग बात है, या फिर उन लोग भी शौकीन हो तो अलग बात है। तो अभी हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि हम मतलब टोटल आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल हम आपको दिखा देते हैं कि मेरा सबवूफर कहाँ पे है। ये रहा सबवूफर मेरा, यहाँ पे रखा हुआ। इसका हम आगे वाला बाहर वाला हम हटा दिए हैं क्योंकि देखने में ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमको इसीलिए। और इसका कनेक्शन आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें कनेक्ट क्या क्या करना है, उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, सबसे बड़ा बात आपको हम स्टार्ट कहाँ से कहने समझाना वो कैसे बताएं। हाँ, ये आपको स्पीकर सबवूफर को चलाने के लिए आपको 12 वोल्ट चाहिए। सबसे पहला बात, घर में आपको चलाना है तो उसके लिए 12 वोल्ट आपका घर में कभी भी नहीं आता है। या तो आपको बैटरी लेना पड़ेगा 12 वोल्ट का, या फिर एसी टू डीसी कन्वर्टर 12 वोल्ट 120 वोल्ट कुछ भी चलेगा, कोई इतना दिक्कत नहीं है। सब चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर आप बैटरी नहीं खरीदना चाहते हैं तो वो आप कन्वर्टर ले सकते हैं। आप इसमें 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट करके उससे जो आउटपुट मिलेगा वो 12 वोल्ट 120 वाट या फिर 1000 वाट तक भी मिलता है किट, एज पर आपका जो बजट रहे उससे आप खरीद सकते हैं। तो जो भी रहेगा आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस, उल्टा बोल रहे हैं। तो वहां से आप परचेज कर लीजिएगा और उस 12 वोल्ट में तो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें पावर देना होगा उससे। अगर आपके घर में बैटरी है तो बैटरी से क्या कनेक्ट कैसे कनेक्ट करना है वो हम भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम बैटरी से घर में वायरिंग करवाएं चारों तरफ तो उसको कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस, इसीलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। रुकिए, हम बैक कैमरा कर देते हैं। यहाँ पे बैटरी सेटअप है पूरा मेरा, अभी ढका हुआ है क्योंकि इधर देख सकते हैं इधर काम चल रहा है घर में तो गंदा होता रहेगा। लाइट हम जला देते हैं। कैसे कैसे कनेक्शन करना है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे मेरा इन्वर्टर रखा हुआ है, बैटरी में कैसे कनेक्ट करना है वो बता देते हैं। ये मेरा ड्यूअल बैटरी है, इन्वर्टर 24 वोल्ट का है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ 24 वोल्ट बनाने के लिए। लेकिन आपको कनेक्ट करना है ऐसे, आपके बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल में एक वायर जोड़ना है और एक पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर देना है। उसके लिए हम सबका कलर भी मैच किया हुआ देख रहे हैं, टर्मिनल में लगा हुआ है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इतना लगाने के बाद ये देखिए इधर से गया हुआ है नीचे, ये फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू अंदर गया हुआ और इसमें भी अंदर गया हुआ बोर्ड में, और इधर के थ्रू चारों तरफ अंदर से वायरिंग इसका गया हुआ। लाइट जो बंद कर देंगे, इसके थ्रू अंदर गया हुआ है और अंदर वायरिंग हुआ है इसका 12 वोल्ट का। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट आया हुआ है, हम लाइट जला देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये है 12 वोल्ट का कनेक्शन मेरे में। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है इन्वर्टर का कनेक्शन, ये भी है इन्वर्टर का, ये एसी का 16 एम्पियर टू 20 एम्पियर कनेक्शन है ये वाला। ये है मेरा 12 वोल्ट का कनेक्शन, इससे वायर आया हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव राइट साइड वाला हम किए हुए हैं, नेगेटिव ये लेफ्ट साइड वाला। हर जगह ऐसा ही करना चाहिए ताकि कन्वीनियंट रहे कहीं भी कुछ कनेक्ट करने में। पॉजिटिव वायर ये सब हम ब्लैक इसलिए हैं क्योंकि ये वाइट है और ये ब्लैक फिल्म है, तो ऊपर में जो वायर पहुंचे ब्लैक रहेगा तो इससे मैच करेगा, ऑड नहीं लगेगा देखने में। इसीलिए एक ग्रीन लाइट बंद कर देते हैं, काफ़ी अजीब लग रहा है देखने में। अब देखते हैं ये सबवूफर, सबवूफर का एम्पलीफायर इनबिल्ट है ये यहीं पे। अब थोड़ा एक और लाइट लगा देते हैं तो आएगा इधर वाला। यहाँ पे कैसे कनेक्शन किए ये हम बता देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है, ये बीच वाला पॉजिटिव है, ये है लेफ्ट साइड वाला रिम वायर। मतलब अपने कार में आप लगाते हैं तो उसके लिए इग्निशन पावर चाहिए ताकि आप जब चाबी कार में ऑन करें तभी जले, तो उसके लिए रिम पावर ताकि आप कार में इग्निशन दें वैसे ही स्टार्ट हो जाए सब ऊपर, इसीलिए रिम वाला सिस्टम है। पॉजिटिव यहाँ पे सेंटर में, ये आपसे राइट साइड जो है ये है नेगेटिव टर्मिनल, इसमें कनेक्ट करना है पॉजिटिव सेंटर में। और अगर आपके घर में तो इग्निशन होता नहीं कि आप घर में कार स्टार्ट करते रहें तो आपको पॉजिटिव से ही एक और रिम में कनेक्ट कर देना है। नेगेटिव सेपरेट है, पॉजिटिव बीच में वाला में जाएगा और इसके बगल में जो रिम लिखा होगा REM उसमें भी पॉजिटिव ही जाएगा इसी से एक्सट्रैक्ट होके, मतलब एक ही पॉजिटिव दो जगह जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए इजीली। तो इसका वायरिंग का कनेक्शन हो गया। आप इसमें जैसे ही करंट देंगे या फिर स्विच ऑन करेंगे वैसे ही ये ग्लो करने लगेगा, पहले वाइट, इसको हम जैसे ही टैप किए ये ग्लो करने लगा, देख सकते हैं आपको शायद दिख रहा होगा ब्लू कलर में ग्लो कर रहा है। फिर ये जो आपको आपके घर में या फिर कहीं भी होम थिएटर केबल रहता है, सॉरी होम थिएटर में जो केबल लगा हुआ रहता है, ऑडियो लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल और ऑडियो इनपुट रहता है जो रेड वायर और वाइट वायर,
वही वाला आपको केबल चाहिए रहेगा, जो कि खोल देते तब समझ में आएगा। ये रेड साइड वाला में रेड लगा देंगे, व्हाइट साइड वाला हम व्हाइट लगाएंगे। ये व्हाइट नहीं है, येलो है, इसीलिए हम येलो ही लगा देंगे। यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, ऑडियो इनपुट, यहाँ पे आउटपुट भी है। तो ऑडियो आउट, अगर इसी से एक और आप एम्पलीफायर सीरीज करना चाहते हैं तो इसीलिए ये ऑप्शन है, या फिर हाई ऑडियो इनपुट यहाँ पे भी है, या फिर एक और कनेक्टर यहाँ पे MP3 का डायरेक्ट ऑक्स कनेक्टर है। ऑक्स वायर जो कार में लगाते हैं आप, ऑक्स में और अपने फ़ोन में, वो भी यहाँ लगा सकते हैं। तो वो उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं और फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये आप केबल यूज़ कर सकते हैं। अब इससे सिर्फ आपको बेस के लिए अच्छा है। यहाँ पे ऑप्शन भी है कि आप इस साइड रखेंगे तो बेस आएगा, बेस का ऑप्शन लिखा हुआ है, और दूसरे साइड कर देंगे तो मतलब गाना भी देगा बेस भी देगा, लेकिन बेस बहुत कम आता है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अजीब घटिया आता है। तो इसके लिए आपको बेस ही में यूज़ करना है इसको, आपके घर में या फिर कहीं भी होम थिएटर वगैरह एक्स्ट्रा है तो उससे आपको यूज़ करना है। अब हम बताते हैं यहाँ कनेक्शन हो गया, अब ये वायर कहाँ लगा है उसको भी हम आगे बताते हैं। सब चीज़ का लिंक आप सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे है सब चीज़। आपको एक्स्ट्रा ये चाहिए रहेगा स्पीकर होम थिएटर, ये इंटेक्स का है, इसका एक स्पीकर यहाँ पे है, एक स्पीकर यहाँ पे है, और ये एक स्पीकर यहाँ पे है, एक स्पीकर खराब हुआ हटा हुआ है, फिर एक और स्पीकर है मेरे पास, ये भी सब एक साथ चलता है, ये इसका वायरिंग सब यहीं पे, एक स्पीकर इस यहाँ पे है और एक स्पीकर उधर है। तो अब हम इसको कैसे कनेक्ट किए हैं वो हम बता देते हैं एक मिनट। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन को इधर कर देते हैं साइड में, तो हम पहले अपने स्क्रीन को इधर साइड में कर लेते हैं। अब बताते हैं आपको यहाँ पे कैसे कनेक्ट किए हैं। ये हम स्प्लिटर खरीदे हैं अमेजोन से, ये सब चीज़ अमेजोन ही से हम खरीदे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक है वाइट केबल जो कंप्यूटर में लगा हुआ है यहाँ पे ऑडियो केबल, ये आप देख सकते हैं, या फिर ये आप फ़ोन में भी लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी हम ईजिली समझा रहे हैं, आप अच्छा समझिएगा क्योंकि हम इस पर एक और वीडियो बना चुके हैं, आप लोग कमेंट किए हैं कि नहीं चलेगा, नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक ये वायर किया हुआ है 3.5 mm, आपको दिखा देते हैं, ये 3.5 mm जैक इसमें लगा हुआ है, इसी तरह सब है टोटल, और यही इसमें भी ऑडियो भेजता है, इस होम थिएटर में भेजता है, और ये इसमें भी भेजता है ताकि सब चल सके, और टोटल सबके पास ऑडियो यहाँ से जाता है वाइट वाला से। इस चीज़ को अपने फ़ोन के ऑडियो जैक इसमें भी लगा सकते हैं, जहाँ मतलब आप आपका मन, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं या फिर आप उधर भी लगा सकते हैं। अब इतना चीज़ सब चीज़ करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम पावर ऑन जब करके कि काम करता कैसे है। कंप्यूटर को बूट कर देते हैं। अब इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे स्विच है, इसको हम यहाँ से ऑन कर दें, ये तो ग्लो कर ही रहा है आप देख सकते हैं, इसको भी हम ऑन कर देते हैं, उसके बाद इसको भी ऑन कर दें ताकि साउंड आ जाए, और हम आपको दिखा भी देंगे कि ये चल रहा है, क्योंकि ये खुला हुआ तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा। कोई भी म्यूजिक प्ले कर लेते हैं, फिलहाल हम इन सीज़ का ही प्ले करेंगे क्योंकि कॉपीराइट इशू बहुत हो गया मेरे साथ। तो आप देख लिए कि कैसे ये चल रहा है, आपको हम यहाँ पे आपको चला के दिखा दिए कि ये चल रहा है, आपको उसमें स्पीकर हिलते हुए भी दिख गया है, अगर फिर नहीं दिखा तो क्या हालत है। ये स्पीकर अच्छा से वर्क कर रहा है यहाँ पे, और आपका बेस नॉब भी मिलता है, बेस कंट्रोल कर सकते हैं या फिर बेस का फ्रिक्वेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम कार रिलेटेड कंटेंट हम लाते रहते हैं ज़्यादातर, और ऐसे ही घर में कुछ कुछ सेट वगैरह करते रहते हैं, मन करता है ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम साउंड है, आपको दिखा देते हैं ऊपर में जो लगा हुआ है ये यहाँ पे, ये अभी फाइबर का लगा हुआ है, एक्रिलिक का लगा हुआ है, पहले था ग्लास का लगा हुआ,
ये जब फुल वॉल्यूम में इसको हम यूज करते थे तब वो ग्लास टूटा हुआ था, थोड़ा सा क्रैक था, वो वहाँ से ऐसे स्लाइड होके नीचे गिर के यहाँ पे बिखर गया पूरा जमीन के नीचे। इतना भयानक इसका साउंड है, मतलब अगर इसको हटा दें तो ये सबका बेस इसके कंपैरेटिवली 10% हो, बस 10%। आप सोच लिए कि कितना कम है। और ये स्पीकर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और ये इंटेक्स वाला तो खैर है, काम चला, ऑडियो के लिए ठीक है कि थोड़ा लेफ्ट राइट ऑडियो चैनल थोड़ा अच्छा आ जाता है, स्टीरियो वाला फील, इसीलिए वो भी लगा हुआ है और साउंड भी उसका है। खैर हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी प्रोडक्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपके लोकल मार्केट में कम दाम में मिलेगा तो हम वही रिकमेंड करेंगे कि आप लोकल मार्केट में एक दो बार घूम लीजिएगा, आपको अगर वहीं मिले तो आप वहीं से परचेज कीजिएगा, और अगर ना मिले तो हो सके तो मेरे लिंक से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, बाय, टाटा।